हेलो फ्रेंड्स, आज हम घुमाते हैं आपको पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर, यहाँ का फेमस टेंपल। जो भी यहाँ पटना में आए उनको ये टेंपल में दर्शन ज़रूर करना चाहिए, और ये बहुत प्रचलित मंदिर है पटना का। ये महावीर मंदिर में दो मूर्ति भगवान हनुमान जी की है, जो कहीं भी नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ ये पटना में ही ऐसा है कि यहाँ दो मूर्ति हनुमान जी की है, एक साथ दो मूर्ति। अब हम जा रहे हैं फ्रेंड्स शिव मंदिर की तरफ। महावीर मंदिर में ये शिव जी का मंदिर है, बहुत खूबसूरत है, इसमें शीशे का पूरा वर्क किया गया है। ये सेकेंड फ्लोर पर, मंदिर के सेकेंड फ्लोर पर हम लोग आ गए। राम जी और भगवान लक्ष्मण जी की कितनी खूबसूरत मूर्तियां हैं। ये है कृष्णा भगवान का मंदिर, यहाँ पर कृष्णा भगवान अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। इस मूर्ति में अर्जुन जी की मूर्ति और कृष्णा भगवान की मूर्ति बनाई गई है। ये दुर्गा माँ का मंदिर है, ये मॉडल है फ्रेंड्स, ये मंदिर का मॉडल है, ये बनने वाला है चंपारण में, बहुत बड़ा विशाल। यहाँ से जो भी फंड इकट्ठे होंगे सब उस मंदिर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। ये बहुत अच्छा खूबसूरत शीशे का मंदिर है, जिसमें शिव पार्वती जी की मूर्ति है। यहाँ पार्वती जी आराधना कर रही है शिव जी के लिए, कि उनको दूल्हे के रूप में शिव जी मिले। यहाँ दिखाया जा रहा है कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। चलाओ ना, ये देखिए ये पटना कितना डेवलप कर गया है। पटना जंक्शन का नज़ारा है, महावीर मंदिर के निकट ही है पटना जंक्शन। ये हमारे देश का झंडा लहरा रहा है। फ्रेंड्स, जब भी आप पटना आए महावीर मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आए। कहा जाता है जो भी यहाँ मन्नत मांगी जाती है पूरी होती है। बहुत भीड़ रहती है यहाँ फ्रेंड्स, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, क्योंकि हनुमान जी का दिन होता है ये। ये पटना जंक्शन है,
ये नौ दुर्गा स्तंभ है फ्रेंड्स, यहाँ जरूर धूप मारना चाहिए। ये नौ दुर्गा का कलश है, ये बहुत खूबसूरत है। ये देखिए मंदिर के बगल में और मंदिर बने हुए हैं, गणेश जी की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, बहुत खूबसूरत है। शायद ही कोई मूर्ति हो जो नहीं हो यहाँ पर। ये राम और सीता लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ हैं, कितनी खूबसूरत है। सभी देवी देवताओं की मूर्ति है यहाँ पर। ये माँ सरस्वती जी की मूर्ति है। ये है फ्रेंड शनि देव का मंदिर, जो बहुत कम जगहों पर रहता है। भगवान शनि जी की मूर्ति बनी हुई है, इस पर कहा जाता है शनिवार को तेल चढ़ाना चाहिए, कष्ट दूर होते हैं, और दिया भी। इसलिए इस मंदिर में शनिवार को ज़्यादा ही भीड़ होती है। हमने भी फ्रेंड्स दर्शन करने गए, हम लोग सब फैमिली के साथ, सोचे अपने फ्रेंड्स को भी दर्शन करवा दें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।